तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सभी के पेपर्स भी अच्छे जा रहे हो, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो आपके ही चैनल पे मैं आज संस्कृत भाषा का एक बहुत ही अहम भी टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संस्कृत का निबंध उसके अर्थ के साथ। और उस टॉपिक का नाम रहेगा संस्कृत भाषा या महत्वम। और ये क्वेश्चन ऐसा प्रश्न है कि जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है 101%। इसको याद कैसे करें एकदम आसान तरीके से, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा निबंध उसके उच्चारण सहित आपको समझाने वाला हूं, और वीडियो देखते देखते ही ये निबंध जो है आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं आपकी पहली लाइन। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। तो संस्कृत भाषा विश्व की, सर्वासु का मतलब सभी, भाषासु का मतलब भाषाओं में, प्राचीनतमा यानी कि पुरानी, सर्वोत्तम साहित्य मतलब सबसे अच्छी और साहित्य से संयुक्त भाषा है। तो क्या है? संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य से युक्ता च अस्ति। अब सेकंड लाइन देखते हैं। संस्कृत परिशुद्धा यानी कि संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता, यानी कि संस्कृत की भाषा इतनी परिशुद्ध है कि उसमें व्याकरण से संबंधित कोई भी दोष यानी कि कोई भी कमी या गलती नहीं होती है। संस्कृत भाषेति निगद्यते, यानी कि संस्कृत की भाषा को इसलिए गद्य के रूप में बनाना आसान हो जाता है। तो इसे हम कैसे पढ़ने वाले हैं? संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। प्राचीन समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। प्राचीन समय यानी कि पुराने टाइम में, पुराने समय में एषैव भाषा यानी कि यह भाषा सर्वसाधारणा आसीत् यानी कि सबसे साधारण भाषा थी, सभी लोग संस्कृत में ही बात करते थे, बोलते थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है प्राचीन समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। तो यहां आपकी तीन लाइनें कंप्लीट हो गई है। आगे की लाइनें हम कैसे याद करने वाले हैं और कैसे समझने वाले हैं, तो आपकी लाइन आपके सामने बोर्ड पर तैयार है। सर्वे जना संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। सर्वे जना का मतलब सभी लोग, संस्कृत भाषाम का मतलब संस्कृत भाषा को, एव वदन्ति स्म, वदन्ति का मतलब कहना यानी कि बोलना, सभी लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, यानी कि सर्वे जना संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। इसके बाद की लाइन है एषा एव अस्माकं पूर्वजानाम आर्याणाम सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। लाइन भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूं क्या क्या मीनिंग है इसका। एषा एव का मतलब यह, अस्माकम का मतलब हमारे, पूर्वजानाम का मतलब जितने भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, और हमारे जो आर्य लोग थे, जो हमारे पूज्यनी लोग, उनके लिए ये भाषा जो है सुलभ थी यानी कि आसानी से बोलना आती थी उनको, उनके ऊपर ये सूट भी करती थी यानी कि उनके ऊपर शोभित होती थी, और गरिमामय वाणी थी, उनके लिए गौरव की बात थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं एषा एव अस्माकं पूर्वजानाम आर्याणाम सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। लेकिन अगर आपको ये निबंध पढ़ते पढ़ते मजा आ रहा है इसके अर्थ के साथ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब कंटिन्यू करते हैं आपकी आगे की लाइनें। संस्कृत भाषाया मेव विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदा सन्ति। संस्कृत भाषाया मेव का मतलब संस्कृत भाषा में, विश्व साहित्यस्य का मतलब विश्व के साहित्य के, विश्व के साहित्य के सर्व प्राचीन ग्रंथा, सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं विश्व के साहित्य के, जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं जिनको हम चार वेद के नाम से जानते हैं, इसमें तो नहीं है लेकिन उनके नाम आपने सुने होंगे, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, युगवेद, तो ऐसे ही चार वेद हैं, वो जो है संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो ये लाइन इस तरीके से बनेगी, संस्कृत भाषाया मेव विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा सन्ति। और ये वेद कितने आईएमपी थे, कितने इंपोर्टेंट थे, वो आगे की लाइन में लिखा है येषां महत्व मध्यापि सर्वोपरि वर्तते। येषां मतलब इनका महत्व जो था सर्वोपरि था, यानी कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा इनका महत्व था, इसलिए कहते हैं येषां महत्व अध्यापि सर्वोपरि वर्तते। तो अगर आपको इस सेशन में मजा आ रहा है तो मुझे आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये जो निबंध है आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। आई होप कि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, लेकिन रुकिए, यहाँ पर निबंध ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम आगे की लाइनें कंटिन्यू करते हैं और वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। भास कालिदास अश्वघोष भवभूति दंडी सुबंधु,
ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सारे कवियों के नाम हैं जो संस्कृत भाषा के कवि हुआ करते थे। तो ये नाम आपको याद करना होंगे, भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुवंधु। आप दो दो नाम को जोड़ा बना के याद कीजिए, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति और दंडी, सुवंधु। प्रभृतयो महाकवियो नाटकराज संस्कृत भाषाया एव, यानी कि ये सभी जो कवि थे महाकवि उनके जो लिखे गए जो नाटक है वो भी संस्कृत भाषा में ही है। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति, यानी कि जीवनस्य का मतलब जीवन के सर्व संस्कार के लिए यानी कि हर अच्छी आदत के लिए संस्कृत का प्रयोग होता है। जो हमारी मम्मी और हमारे गुरु हमारे अंदर अच्छी आदतें डालती है उसको संस्कार कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। अधुना अपि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अपि उपयुक्त अस्ति। अधुना अपि यानी कि आज के समय में, कंप्यूटर के समय में भी संस्कृत भाषा अति उपयुक्त है, यानी कि आज के कंप्यूटर वाले युग में भी जो है संस्कृत भाषा का बहुत ही उपयोग है। तो इसीलिए तो लिखा है अधुना अपि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा का मतलब संस्कृत भाषा, भारतस्य का मतलब भारत की, प्राणभूता भाषा अस्ति का मतलब है। संस्कृत भाषा भारत की प्राणभूता भाषा है, यानी कि भारत की मेन भाषा है जिसमें भारत के प्राण बसते हैं, इसलिए हम कहते हैं संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य एक्यम च साधयति, यानी कि संस्कृत भाषा ही जो है पूरे राष्ट्र को एकता के बंधन में बांधती है। जैसे हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, ये हमारे और आपके संस्कार ही है जो हमें आगे ले जा रहे हैं, और इसीलिए तो कहते हैं राष्ट्रस्य एक्यम च साधयति। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्या प्रसारश्च सर्वैरेव कर्तव्य। भारत के गौरव की रक्षा करने के लिए, एतस्य का मतलब इसका प्रसार करना, सर्वैरेव का मतलब सभी का कर्तव्य है। अतः एव उच्यते संस्कृति संस्कृता श्रिता, और अतः एव का मतलब इसलिए, उच्यते मतलब कहा गया है, संस्कृति जो है हमारी संस्कृति वो संस्कृत के आश्रय में है, संस्कृत के आश्रय में मतलब संस्कृता श्रिता। अत एव उच्यते संस्कृति संस्कृता श्रिता। तो यहां पर मैंने पूरे निबंध के उच्चारण के साथ साथ आपको अर्थ जितना सरल हो सके उतना सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करी है। आप लोग भी इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपके जिन फ्रेंड्स के पास संस्कृत की थोड़ी सी कमी है, अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, उन तक जरूर शेयर कीजिए। इसी बात पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे IIMP टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।